दोस्तों टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर के बेस वेरिएंट में कुछ शानदार ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो लोगों को इसकी तरफ अट्रैक्ट करने वाले हैं, और आज इस वीडियो में हम इसी बेस मॉडल के बारे में आपको सभी जानकारियां देने वाले हैं। यहां पर हम आपको इसकी डायमेंशंस, इंजन स्पेसिफिकेशंस, प्राइजेस और फीचर्स के बारे में जानकारी देंगे कि बेस मॉडल में आपको कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो मिल जाते हैं और जो इसको मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बनाते हैं। साथ ही साथ मोस्ट ऑफ द कलर ऑप्शन भी इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर का जो बेस वेरिएंट है वो ई है। ये आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में मिल जाएगा 1.5 लीटर माइल्ड हैबिट पेट्रोल इंजन में। जो आपका ये बेस मॉडल है इसकी एक्सशोरूम प्राइस है 10,48,000 रुपए, और दिल्ली ऑन रोड प्राइस की बात करें तो अराउंड 12,30,000 रुपए के आसपास ही आपको पड़ जाएगा, और अदर स्टेट में भी प्राइजेस इसके आसपास ही रहने वाली हैं। तो ये प्राइजेस का अगर आपका बजट है और आप मिड साइज एसयूवी लेने की सोच रहे हैं तो टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर के इस वेरिएंट को आप जरूर से देख लें एक बार, क्योंकि ये मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, क्योंकि इसमें आपको सभी मस्ट हैव फीचर्स देखने को मिल जा रहे हैं। अब बात करते हैं टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर की डायमेंशंस के बारे में। टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर की लेंथ 4,365 mm है, विड 1,795 mm है, हाइट 1,635 mm है, और व्हील बेस 2,600 mm का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। एसयूवी की सबसे खास चीज होती है उसका ग्राउंड क्लियरेंस। यहाँ पर 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिल जाता है। 373 लीटर की बूट स्पेस कैपेसिटी है, 45 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, और बेस से लेके टॉप तक आपको 17 इंचेस के टायर्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। बात करें कलर ऑप्शन की तो बेस मॉडल से ही आपको 7 कलर ऑप्शन देखने को मिल जा रहे हैं, जिनमें ब्लू, रेड, सिल्वर, व्हाइट, ग्रे और केव ब्लैक के साथ साथ मिडनाइट ब्लैक भी शामिल है। यहाँ पर जो इसका मिडनाइट ब्लैक कलर है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है। बात करें बेस मॉडल में मिलने वाले इंजन स्पेसिफिकेशंस की तो यहाँ पर आपको 1.5 लीटर का माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिल जाएगा, जो 4 सिलेंडर 1462 cc का इंजन है, जो 103 PS की मैक्सिमम पावर और 137 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। ये आपको बेस वेरिएंट में केवल 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में ही मिलेगा, हालांकि 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर का ऑप्शन भी ऊपर के वेरिएंट्स में आपको मिल जाता है। मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए इसकी क्लेम फ्यूल इफिशियंसी 21.12 kmpl है। चलिए अब बात करते हैं टोयोटा अर्बन क्रूजर के बेस मॉडल में मिलने वाले फीचर्स के बारे में, और ये एक फीचर रिच वेरिएंट है इसका। सबसे पहले सेफ्टी के फीचर्स की बात करें, स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के अलावा हिल स्टार्ट असिस्ट, 5 3-point seat belt, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रियर डिस्क ब्रेक्स, 2 ISOFIX, डे नाइट IRVM जैसे सेफ्टी फीचर्स यहां पर देखने को मिल जाते हैं। बात करें इसके एक्सटीरियर में मिलने वाले फीचर्स की तो शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट के साथ। तो फ्रंट में आपको ये डुअल फंक्शन LED DRLs देखने को मिल जाती हैं। साथ ही साथ नीचे की तरफ आपको हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल रहे हैं, एक बड़ा एयर डैम सामने देखने को मिल जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ORVM पर टर्न इंडिकेटर भी देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा फ्रंट में क्रोम का थोड़ा सा काम यहाँ पर किया हुआ है। नीचे की साइड आपको फ्रंट सिल्वर स्किड प्लेट देखने को मिल जाएगी। 17 इंच के यहाँ पर व्हील्स आपको देखने को मिल रहे हैं व्हील कवर्स के साथ, और ये आपको बेस टू टॉप सभी में 17 इंच के ही मिलने वाले हैं। साथ ही साथ व्हील आर्च क्लैडिंग यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर आपको इसके बेस वेरिएंट में बॉडी कलर्ड बम्पर, बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स और बॉडी कलर्ड ORVM भी मिल जा रहे हैं। रियर साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको शार्क फिन एंटेना, रियर स्पॉइलर और रियर सिल्वर स्किड प्लेट देखने को मिल जाएगी। रियर साइड से कुछ ऐसा लुक इसका नजर आता है। इंडिकेटर यहाँ पर नीचे की साइड में दिए हुए हैं। अगर बात करें इसके नाइट लुक के बारे में तो कुछ इस तरीके का दिखता है, और अगर इसका कलर हम ब्लैक कर दें तो यहाँ पर ये कुछ शानदार सा लुक निकल करके सामने आता है। यहाँ पर आप इसके डुअल फंक्शन LED DRLs देख सकते हैं और नीचे की साइड हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। अब बात करते हैं टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर के इंटीरियर के बारे में। तो इंटीरियर में आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको फैब्रिक सीट्स मिल जाएंगी। बेस वेरिएंट से ही आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाएंगे। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग व्हील यहाँ पर आपको मिल रहा है। यहाँ पर आप सामने की साइड में मीटर में देखेंगे तो यहाँ पर 4.2 इंच का MID दिया हुआ है, जिसको आप स्टेयरिंग व्हील से ही कंट्रोल कर सकते हैं। ऑटो AC विद एयर प्यूरिफायर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ऑल 4 power windows मिल जाएंगे, पावर मिरर मिल जाएंगे पावर फोल्डिंग के साथ, 4 door bottle holders, क्रोम मिल जाएगा डोर हैंडल्स की इनसाइड में। यहाँ पर ड्राइवर साइड आप देखोगे कुछ काफी प्रीमियम सी और काफी कंट्रोल नजर आती है।
यहाँ पर आपको डे नाइट आई आर वी एम देखने को मिल जा रहा है। हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगी, टू रीडिंग लैंप्स मिल जाएंगे, फ्रंट में मिल जाएगा और रियर साइड भी मिल जाएगा, और यहाँ पर 5 एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल रहे हैं फ्रंट में भी और 3 हैं रियर की साइड में, और रियर में आपको आर्मरेस्ट भी देखने को मिल रहा है कप होल्डर्स के साथ में। बाकी आप इसको पीछे सेट कर दोगे तो सीट बन जाएगा और यहाँ पर ये कप होल्डर दिया हुआ है। रियर साइड में आपको 60-40 स्प्लिट सीट देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ रियर में आपको AC वेंट भी दिए हुए हैं और नीचे की साइड आपको कंट्रोल भी दिए हुए हैं और रियर सीट बैक पॉकेट भी यहाँ पर आपको मिल रही है। यहाँ पर आपको फ्रंट में स्लाइडिंग आर्मरेस्ट मिल जाता है स्टोरेज के साथ, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट सामने मिल जाता है, और इसके बाकी सभी फीचर्स अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें सेफ्टी और एंटरटेनमेंट के फीचर्स भी हैं, फंक्शनल फीचर्स भी हैं और इसके स्टाइल वाले फीचर्स भी शामिल हैं। तो ये बात हुई इसके बेस वेरिएंट की। अब इसका बेस वेरिएंट अगर आप इसके शोरूम्स पर भी देखोगे तो कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें कोई कमी है। यहाँ पर अगर आपको जरूरत है तो आप म्यूजिक सिस्टम या फिर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि आप आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हो और डिलीवरी के टाइम पर कार डीलर से भी खरीद सकते हो। उसके अलावा बाकी इसमें कोई भी कमी नहीं है, ये एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। इन सभी आप ऑप्शन में देखोगे तो धीरे धीरे फीचर्स बढ़ते चले जाएंगे, धीरे धीरे और नई चीजें ऐड होती चली जाएंगी, प्राइजेस भी उसी हिसाब से बढ़ेंगे। इसी तरीके से हमने मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा का भी वेरिएंट एक्सप्लेन कर रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ ग्रैंड विटारा और हाइराइडर का पूरे सेगमेंट से कंपैरिजन कर दिया है, प्राइस का, डायमेंशंस का, इंजन स्पेसिफिकेशंस का, तो वो वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या अभी आपकी स्क्रीन पर ये शो हो रहा है, यहां से जाकर के भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल को नीचे सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और कोई कमी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।